बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद। नाज़रीन, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कहाँ से मिलेगा और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को म्यूज़िक कॉपीराइटेड जो म्यूज़िक है वो जब इस्तेमाल करते हैं तो उनको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ जाते हैं, और उससे जब वो स्ट्राइक आ जाती है, ये क्लेम आ जाता है, उससे क्या नुकसानात होते हैं? क्या उनको कहीं से भी म्यूज़िक कॉपी करके ले लेना चाहिए, या मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये आज हम इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि म्यूज़िक, किसी का म्यूज़िक इस्तेमाल करने से कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आती है। देखिए, इस मैकेनिज्म को समझिए। और तो हमने अपनी आप प्लेलिस्ट देख लीजिए हमारा कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम, इससे बहुत तफसील से हमने एग्जांपल्स और केस स्टडी के जरिए समझाया हुआ है। एज्यूम करते हैं कि एबीसी कंपनी है, वो अपना म्यूजिक लॉन्च करती है, एक गाना रिलीज करती है, और वो क्या करती है कि यूट्यूब के पास, यूट्यूब को कहती है कि जी मैंने इस गाने पर एज्यूम कीजिए 5 करोड़ रुपया लगाया है, जिसमें मैंने लिरिक्स वालों को, म्यूजिशियंस को, इसके अलावा जो आइडिया क्रिएट किया है या सिंगर को, सबको मैंने एक्यूमलेट करके तो एक अमाउंट दी है, वो दैट इज 50 मिलियन, एज्यूम कीजिए। अब वो कहता है कि यूट्यूब को कहते हैं कंपनी कि मेरे इस म्यूज़िक को आप रजिस्टर कर लें और मुझे इसके अगेंस्ट एक कंटेंट आईडी इशू कर दें, एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दें, ताकि कोई भी मेरे इस गाने को कॉपी करे तो मुझे पता चल जाए और मैं उसको कॉपीराइट क्लेम भेज सकूं, ताकि वो जो मैं अपनी वीडियो में उसको यूज़ कर रहा है तो मैं जो मेरी कंपनी है एबीसी, मुझे उसकी सारी आमदनी मुझसे शेयर हो जाए। तो होता ये है कि जब उसको कंटेंट आईडी क्लेम मिल जाता है तो उसके बाद कोई भी उस गाने को पार्टली या पार्शली या पूरा कंप्लीटली फुली उस सॉन्ग को कोई अपनी वीडियो में कहीं भी यूज़ करता है, उसको कॉपीराइट क्लेम का एक मैसेज आ जाता है। उसकी वीडियो पर लिखा होता है स्पेसिफिकली, सिर्फ उसी वीडियो पर, पूरे चैनल पर नहीं। अब क्या होगा कि उसी स्पेसिफिक वीडियो की जिसमें वो सॉन्ग यूज़ हुआ है, उसकी आमदनी सारी उस कॉपीराइट होल्डर को, एबीसी कंपनी जो म्यूजिक कंपनी है उसको जाएगी। और आपकी उस वीडियो पर लिखा होगा क्लियरली रेड कलर में कि ये जो मोनिटाइजेशन है, हेडिंग होगी, उसके नीचे लिखा होगा इन एलिजिबल, कि आप इसकी आमदनी कमाने के काबिल नहीं है, क्योंकि आपने किसी की प्रॉपर्टी को चोरी किया, उसको उसकी परमिशन के बगैर आपने उसको डाउनलोड करके तो अपनी वीडियो में आपने इस्तेमाल किया, तो आपको इसकी पनिशमेंट दी जा रही है, पेनल्टी आप पे चार्ज की जा रही है कि आपको उसकी कोई आमदनी नहीं मिलेगी, सारी आमदनी फॉर एवर इसी को जाएगी, राइट? देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो किसी का म्यूज़िक को चोरी करके जब वो अपनी वीडियो में डालते हैं तो उसको बड़ा स्मार्टली उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, एडिट करते हैं, उसकी पिच को चेंज कर देते हैं या दूसरे पैरामीटर्स को, लेकिन क्या होता है कि क्या वो बच जाते हैं? तो हमारे में से बहुत सारे लोग क्रिएटर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स इस चीज़ से इंस्पायर हो जाते हैं कि उस चैनल ये म्यूज़िक यूज़ किया तो मैं भी यूज़ करूँगा। हम फिर आपको बताएंगे कि हमें अंदर वाली कहानी नहीं पता होती कि हो सकता है कि उसको कॉपीराइट क्लेम आ जाए और वो उसके YouTube स्टूडियो के अंदर होता है, उसका पासवर्ड उसी को पता होता है और वो ही देख सकता है, हम नहीं देख सकते। हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसने यूज़ किया तो हम भी यूज़ करेंगे, ऑल्दो ऐसा नहीं होता। अब दूसरा सिनेरियो आप देखिए कि हो सकता है कि वो एबीसी म्यूज़िक कंपनी ने म्यूज़िक रिलीज़ किया लेकिन उसने उसका कंटेंट आईडी नहीं लिया, और वो कहता है कि मैं इसको मैन्युअली ट्रेस करूंगा, ये ट्रैक करूंगा, डिटेक्ट करूंगा और लोगों को मैं स्ट्राइक या क्लेम भेजूंगा। अब आप देखिए कि हो सकता है एक चैनल जिसने कॉपी यूज़ किया वो म्यूज़िक, 5-6 महीने से वो यूज़ कर रहा है और उसने कोई कीवर्ड्स अंदर नहीं डाले, तो वो क्या है कि वो बच रहा है। तो हम एज्यूम करते हैं कि वो बच रहा है तो हम भी बच रहे हैं, हालांकि वो बड़ा उसको क्लेवरली, नॉट स्मार्टली, क्लेवरली उसने यूज़ किया है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। तो इसी तरह दूसरे तरीके से अगर कोई अपनी वीडियो में म्यूजिक यूज़ करता है और उसमें कीवर्ड्स यूज़ करता है तो वो कंपनी जो एबीसी कंपनी से कंटेंट आईडी नहीं लिया तो वो उसको कीवर्ड से, वो जब वायरल होती है तो उसको पकड़ लेता है और उसके बाद उस पर फिर उसके खिलाफ एक्शन लेता है। तो ये तमाम सिनेरियोज आपको हमने बताए हैं और भी आप हमारी वीडियोज़ देख लीजिएगा, लेकिन आखिर में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऑलवेज
जब भी आप यूज करें, म्यूजिक यूज करें, वीडियो को यूज करें, तो प्लीज कॉपीराइट फ्री, जो रॉयल्टी फ्री होती हैं, उनको आप यूज करें, ताकि कोई आप पे क्लेम ना कर पाए, कोई आपको पेनल्टी ना कर दे, चार्ज कर दे, कोई आपको पनिशमेंट ना दे। उससे ही होता है कि आपके चैनल पर अफेक्ट होगा, आपका चैनल बैड रिप्यूटेड कहलाएगा। आखिर पर हम आपको ये बताएंगे कि आप म्यूजिक कहाँ से लें। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि आप NCS, नो कॉपीराइट साउंड्स, ये एक वेबसाइट है, इसको सर्च कीजिए गूगल पर, तो आपको सामने आ जाएगा कि ये कॉपीराइट फ्री म्यूजिक होता है, रॉयल्टी फ्री होता है। आप इसको अगर यूज करते हो, तो क्लियरली लिखा है कि आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती। एज्यूम कीजिए आप इस वेबसाइट का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज करते हैं। फ्यूचर में जाके एक साल दो साल के बाद इस कंपनी का NCS का एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है किसी और कंपनी से, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है या कोई और कंपनी से, म्यूजिक कोई मूवी की कंपनी है, तो क्या होगा, वो इस म्यूजिक को रजिस्टर करवा लेगा, उसके अगेंस्ट कंटेंट आईडी ले लेगा। अब ये होगा कि जिस जिस में वो कंटेंट आईडी इस्तेमाल हुआ होगा, उनको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो ये फियर है, तो आपको सिर्फ बताने का मकसद है कि आप रिस्क क्यों लें, इन चीज़ों का रिस्क क्यों लें। सबसे बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है वो है YouTube का अपना प्लेटफॉर्म। आप इसके अपने स्टूडियो में जाइए और आपको लेफ्ट साइड पे आपको ऑडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी, उसमें सैकड़ों हजारों म्यूजिक है, इतने खूबसूरत म्यूजिक हैं, आप उन म्यूजिक को अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको ये कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो हमेशा एथिकल वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए किसी की चीज़ को मत चुराएं, ताकि आपकी वीडियोस हमेशा रिस्क पर रहेंगी, तो इस चीज़ से अवॉइड कीजिए। आखिर पर हम आपको ये हम एडवाइस देंगे कि प्लीज़ ऑलवेज प्ले हेल्दी और एथिकल वैल्यूज़ को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को मत चुराएं किसी की परमिशन के बगैर। आप चीज़ को कम बना लें, कोई कम म्यूजिक इस्तेमाल कर लीजिए या अपना कोई क्रिएट कर लीजिए चीज़, तो आपकी वीडियोस वायरल हो सकती है, आपकी वीडियोस आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। नीचे कमेंट्स में राय लाजमी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस पे वीडियो देखना चाहते हैं। आखिर पर अनाउंसमेंट ऑलवेज हम करते हैं, हम YouTube मास्टरी कोर्स पढ़ाते हैं, रेगुलर एंड वीकेंड प्रोग्राम, ऑनलाइन क्लासेज होती हैं। अगर आप अपना चैनल बिल्ड करना चाह रहे हैं, अगर आप YouTube से पैसे अर्न करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप पॉलिसीज, इनकी डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सीखें, तो हमारा पूरा पैकेज है जिसका नाम है YouTube मास्टरी कोर्स। तो आप हमारे दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन में भी हैं और हमारे इधर स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, तो आप उस पर रابطہ करके हमारी टीम से पूछ सकते हैं इसकी डिटेल्स, और आप इसमें एडमिशन लीजिए और प्रोफेशनली अपने YouTube को मैनेज कीजिए और अर्न फ्रॉम YouTube। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।